सामने जाना ही नहीं यार, ये तेरी पेनल्टी है माए, ये कोई तरीका। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज ऐसा सीन है कि आज हमारी एक शॉर्ट राइड हो रही है, तो आज हमारे साथ हैं अक्षय भाई, रेजिंग फोटल ये भी आज हमारे साथ ज्वाइन है। तो अभी और भी राइडर्स आ रहे हैं, संजू आ रहा है हमारे साथ, तरुण है, अश्वनी भाई चलते भी आए हैं, डोमिनो 400 वाले। तो आज वैसे हमारा प्लान तो ऐसे शॉर्ट राइड का ही है, तो लेकिन मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ अक्षय भाई भी हैं, तो मज़ा तो आएगा ही आएगा नेचरली। मैं सेलिब्रिटी हूँ ना इसलिए। मंगल देवी हम जा रहे हैं, मंगल देवी शेरी, वहाँ पे मंगल देवी किला है, वहाँ जा रहे हैं, तो एंजॉय करो। आगे का पता नहीं क्या होगा, लेकिन एंजॉय करो। संजू और पीछे रह गए हैं और हम निकल रहे हैं, मैं, अक्षय भाई और रवि भाई, हम निकल रहे हैं अभी। अब हम पहुंच गए हैं बैरीपतन। तो आपने अभी क्लिप्स पे देखा होगा अक्षय भाई की राइडिंग, बहुत ही घातक बाइक चलाते हैं भाई, हम पीछे रह गए थे, इतनी घातक बाइक चलाते हैं और इनके लीन्स कान को हाथ लगाते हैं, हमसे नहीं चलती बाबा इतनी। तो अभी हम बैरीपतन पुल के ऊपर हैं, अभी वेट कर रहे हैं बाकी राइडर्स का जितने भी हैं, संजू, एकांत और तरुण है, एक मावे वाले, पता नहीं कौन है, आप देखते हैं कौन है। अक्षय भाई, अभी हम थोड़ी देर वेट करेंगे यहाँ पे, थोड़ा बहुत इंजॉय करेंगे, फोटोग्राफ थोड़ा लेंगे, चक्कर लिया जाए। हाँ ले लो, राउंड लगाना बाइक का, तो अभी लगाएंगे तो थोड़ा उसको हम ब्रिज के ऊपर कैप्चर करेंगे, तो थोड़े फोटोग्राफ वगैरह अभी हम लेंगे, तो वो आपको मैं इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो आज जैसे हमारे साथ नए राइडर जुड़े हैं रवि भाई, इनका डोमिनो 400 है, ये है बल से हैं, अक्षय भाई तो चले गए हैं बाइक लेके राउंड लगाने। तो यहाँ का व्यू देखो, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे। बस यहाँ से जो हमारी डेस्टिनेशन है रह गई है नियर अबाउट 20 किलोमीटर, तो अभी हम वेट कर रहे हैं बाकियों का। भाई पावर मस्त, ब्रेकिंग मस्त, मैं पहली बार चलाई है, मेरे को यही इशू आ रहा है कि मेरे को जो टांगे है ना अपनी, मेरे को ऐसे कर मेरे को क्रैम्प आने वाला था यहाँ, क्रैम्प आया ना, मैंने वो आपने पहले कहा था इसलिए मैंने पहले ही ऐसे एडजस्ट कर लिया था। एक तो जीन्स पहन के तो बड़ा टफ है, आप पता नहीं कैसे चला था। तो ऐसा है अक्षय भाई पूरे फुल मजे ले रहे हैं, फुल मजे, इसको बोलते हैं ना, बाइक्स आई हुई आज देख लो भाई, कर रहे हैं ट्रायल सबके, मेरी वाली का ट्रायल कर गए हैं, अभी रवि भाई की 400 का ट्रायल लेने गए हैं। देखो आप, चलो जी अक्षय भाई बताओ डोमिनोर के बारे में, थम्स अप। कुछ नहीं बोलूंगा, सीन कुछ ऐसा हुआ है, हमें कोई एक घंटे से वेट करा के संजू और नहीं पहुंचे अभी, तो अभी हम लेट हो रहे हैं, इसलिए अंधेरा होने वाला है, इससे पहले ही हम कवर करके आए। चलें अक्षय भाई, नहीं क्या चक्कर हो गया, शायद उनको कोई काम पड़ गया, तभी संजू और नहीं हो पाए, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम आगे निकलते हैं, तो वो हमें बाद में पकड़ लेंगे। अब एकांत और तरुण का भी प्लान बन गया, वो भी वहाँ से निकल चुके हैं,
हमने काफ़ी देर वेट किया उनका, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, वापस भी आना है। अक्षय भाई भी लेट हो रहे हैं। आगे जाएगी मंगल देवी की रोड, लेकिन रोड बहुत ख़राब लग रही है मुझे। यहाँ से ऊपर जो गया नौशहरा को एरिया गया, यहाँ से वो ऊपर जाएंगे किले की तरफ। देखो हम दोपहर को आए थे, दिन के टाइम आए थे, शाम हो गई है, काफ़ी लेट कराया है। ये अब पहुँचे हैं भाई। प्रभु सारे इनके चरण पकड़ो, खड़े हो जाओ हाथ जोड़ के। हो शुक्र है पहुँचे आप, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। तरुण जी आए हो आप, भाग गया सारे, पूरी गैंग आ गई है, स्क्वाड आ गया, एकांत आ गया, भाई स्वागत सब वाले। डीएम करें इनको, कोई भी चीज़ पसंद आती है तो डिस्क्रिप्शन में इनका मैं एड्रेस डाल दूंगा, जिसको भी कुछ चाहिए होगा वो। और जो आपकी तरफ से आएगा उसको 10%, हाँ, और जो मेरी तरफ से आएगा अगर मेरा रेफरेंस देगा उसको 10% ऑफर जो है डिस्काउंट मिलेगा। चलो तो फाइनली अब जाके सारे इकट्ठे हुए हैं, पूरा स्क्वाड, तो जा रहे हैं सेरी सियाल ऊपर मंगल देवी टावर पे। टीवी टावर है वहाँ दूरदर्शन का, वो मैं वहाँ जाके बताऊंगा आपको, क्योंकि मेरे को जहाँ तक आइडिया है वो एशिया के कुछ रिकॉर्ड्स में उसका रजिस्टर्ड है, उसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी वाइड है। पाकिस्तान को भी यहीं से नेटवर्क जाता है, पूरे दूरदर्शन का जो भी टेलीकास्ट होता है। भाई साहब मैं यहाँ पे 2 साल के बाद आ रहा हूँ और रोड की तो बुरी हालत है पहले के मुताबिक। ये शहरी तक ये पैच बहुत अच्छा, लेकिन ये जो आगे पैच पड़ता है ना अपना रास्ता शहरी से मंगल देवी का, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो व्यू तो काफ़ी प्यारा है। संजू ने भाई गार्ड बहुत खज्जल किया आज, बहुत वेट किए, नहीं तो अभी तक हमने वापसी में आ जाना था। देखो भाई टावर देखो भाई साहब, इतनी हाइट पे है, और वो किला देखो। सब स्वैगर हब वाली की गलती है, हम लेट हुए हैं 1.5-2 घंटा लेट हुए ना। कितने फोन किए तुझे, भी इतने फोन किए तुझे, इतने फोन किए ना। हाँ मैं दिखाऊं कॉल डिटेल, दिखाऊं कैमरे के सामने, बेइज्जती हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे बता रहे हैं हम शेरी में आए हैं, ये प्रसार भारती इंडिया पब्लिक सर्विस दूरदर्शन, तो ये DD1 जो हमारे आता है काफ़ी हाइट पे है, ये अगर टेलीकास्ट होता है इस दूरदर्शन का। हाँ आप भाव मत बोलो, आपकी वजह से हम बड़े खज्जल हुए हैं आज। सो फाइनली हम पहुँच गए मंगल देवी किले में। तो मेरे जैसे ठीक पीछे देख रहे हो ये टीवी टावर है दूरदर्शन का, इसके साथ स्टेशन है यहाँ पे, तो बाकी लोग चले गए आगे, यहाँ से एंट्री होती है इस किले की। सीन कुछ ऐसा है, अभी यहाँ पे हम सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। हाँ पे क्या चीज़ है आर्कियोलॉजी, बिकॉज मैं इस जगह से बहुत पास रहता हूँ, फिर भी मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट कर रहा हूँ। अच्छा तो करना कैसे है, तुम लोग आते लेट हो। अब मैं आपको इस बारे में क्या बताऊँ, काफ़ी अच्छी प्लेस है ये एक हैंग आउट करने के लिए, काफ़ी अच्छा मतलब बैठने के लिए, अगर कोई फैमिली वाले पिकनिक विकनिक पे आते हैं, मंदिर है पास में तो बैठने के लिए काफ़ी जगह है, लोग आते भी हैं। लेकिन एक चीज़ गलत है, लोग यहाँ आते हैं और ये गंद फेंक के चले जाते हैं नीचे, ये मत करिए प्लीज़, गंदगी मत फैलाइए। इतनी ब्यूटीफुल प्लेसेस अगर आपके आसपास हैं तो वहाँ घूमो, एंजॉय करो, बट गंदगी मत फैलाएं। मैं सही बोल रहा हूँ, हमने जाना ही नहीं यार, ये तेरी पेनल्टी है हमारे, ये कोई तरीका, 1.5 घंटा 1.5 घंटा पहले आए होते तो हम पाकिस्तान से भी होके चले जाते। We'll be right back.
एकांत कैसी लगी आपको जगह? मेरे को बहुत ही अच्छी जगह लगी है, मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब मैं एक बार पहले भी यहाँ पे आया था, तो मैंने सोचा था एक बार फिर से आऊँ, लेकिन मैं वापस आ नहीं सका, एक्चुअली टाइम नहीं लगता। और हम इसे कौन कौन अच्छा लगा? और आप सब में से तो वैसे तो सब भाई लोग अपने अच्छे ही हैं। अच्छा, जगह बहुत प्यारी है। हाँ, टाइम से आते तो एक्चुअली हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है, तो जिसके कारण हम जल्दी निकल रहे हैं। सीन ये हुआ कि इनकी वजह से हम लेट हो चुके हैं, अगर नहीं तो हमने पूरा कवर करना था। अभी चलो, अब अंधेरा भी हो रहा है, तो कोशिश ये रहेगी कि जल्दी जल्दी ब्लॉग को एंड कर देंगे हम रास्ते में चलते ही। मेरा माइक अडाप्टर नहीं मिल रहा था, फाइनली अडाप्टर मिल गया। संजू की पॉकेट में पड़ा हुआ था और हम पूरा ढूंढ ढूंढ के थक गए। संजू, आज पता तेरे से कुछ गलत हुआ है। एक्चुअली बात ऐसे हुई कि मेरा माइक अडाप्टर जो है ना, वो फ़ोटो खींच रहे थे मेरे हेलमेट पहन के, तो संजू को मैंने बोला था कि माइक अडाप्टर संभाल ले, तो उसको भी याद नहीं रहा, मेरे को भी याद नहीं रहा, संजू माइक अडाप्टर भूल गया। सनसेट होने वाला है, टाइम बज रहे हैं 5:09, काफ़ी लेट हो गया आज, लेकिन जो भी है शॉर्ट थी, लेकिन एक बात है, मज़ा बहुत आया, हमने बहुत इंजॉय किया। तो आज ग्रुप बहुत अच्छा था हमारा, हमें ज्वाइन किया था रजत भाई ने, हमें ज्वाइन किया है तो हमारे पुराने संजू भाई, तो साथ में एकांत आया था, तरुण आया था, तो उसके बाद अपने अक्षय भाई राजू रोटर, उनका इंस्टाग्राम पेज भी है, और साथ में बहुत अच्छे यूट्यूब व्लॉगर भी है, मोटो व्लॉगर है, काफ़ी अच्छी मोटो व्लॉगिंग करते हैं, आपने देखा ही होगा, उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बात ऐसी है कि हम नीचे चौक पर पहुँचे हैं, हम देख रहे हैं कि कौन सा शॉर्ट रास्ता है। अभी भाई पूछ रहे हैं, रवि भाई उनसे पूछ रहे हैं, लोकल बंदे से, कि कौन सा रास्ता सही पड़ेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ यार चलो यार शॉर्ट करें, अगर लेट हो रहे हैं आगे भाई, इधर से चलो यार लेट हो रहे हैं। तो फिर हमने यहीं से डिसाइड किया जाने का वापसी भी, और सॉरी उसमें मैं वॉइस कवर नहीं कर पाया, इसलिए मैंने वो वीडियो डाली है, वो भी एंजॉय दिस व्लॉग। तो आगे भी मैं अच्छे अच्छे व्लॉग लेके आया करूँगा, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर, वो हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए भाई, थैंक यू।